यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया की, तो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, ये आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर मनसफ। देखिए, इंडिया में अभी स्टार्टअप है, मोर देन 200 स्टार्टअप कंपनियाँ स्टार्ट हो गई है इंडिया में, और इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट कर रही है कि आप डेवलप कीजिए इस टेक्नोलॉजी को, और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंडिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, 2030 तक मुझे लगता है कि इंडिया जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते वक्त ना कंप्यूटर साइंस के भी लोग आ जाते हैं, जिसमें आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंसर्स यूज करने लगे हैं, डिफरेंट फैसिलिटी देने लगे हैं, और इसकी जो यूटिलिटी जो है डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। बहुत सारे कंपनियाँ आ रही है इस फील्ड में काम करने के लिए, तो इंडिया में इसका जो है काफ़ी प्रचलन हो रहा है, और मुझे लगता है कि और भी होगा। 2030 तक आते आते मैक्सिमम प्लेसेस पे आपका ड्रोन जो है यूज हो जाएगा, और हो सकता है कि जब इंडिया जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का अगर हब बन जाए तो इंडिया भी